हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडिया फीलिंग एंड स्थिति वितराज पर स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों आज हम सीमेंट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो आने वाली आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट सेटिंग और हार्डनिंग सीमेंट की जो है दोस्तों दो अलग अलग शब्द हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेटिंग क्या होता है दोस्तों। तो जो कंक्रीट की सेटिंग होती है या सीमेंट की सेटिंग टाइम होता है दोस्तों, उसमें सीमेंट जो होता है एक पेस्ट बनकर कठोर हो जाता है, इसको सेटिंग बोलते हैं दोस्तों। और जब कठोर होकर सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ आ जाती है उसमें, तो उसको हार्डनिंग बोलते हैं दोस्तों। सीमेंट की फाइनल सेटिंग टाइम के बाद दोस्तों उसमें स्ट्रेंथ आने लगती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया सेटिंग और हार्डनिंग। और इसके बाद जो होता है दोस्तों, सीमेंट में सेटिंग और हार्डनिंग से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं जो इन सब क्रियाओं में भाग लेते हैं दोस्तों। तो इसमें चार प्रकार के कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, केमिकल कंपोनेंट्स जो लॉजिकली होता है दोस्तों। तो पहला होता है दोस्तों C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसको बोलते हैं दोस्तों। और दूसरा कंपाउंड होता है दोस्तों C2S, डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसको बोलते हैं दोस्तों। और तीसरा होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और चौथा होता है दोस्तों ट्रेटा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट दोस्तों। तो ये सब क्रियाएं तब होती हैं दोस्तों जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो इसमें हाइड्रेशन क्रिया होती है दोस्तों। और हाइड्रेशन क्रिया में जो है दोस्तों, जिसको हिंदी में जलायोजन क्रिया भी बोलते हैं दोस्तों, इसमें जो होती है हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है दोस्तों। तो जलायोजन क्रिया में सर्वप्रथम दोस्तों C3A और C4AF भाग लेते हैं दोस्तों। यानी क्वेश्चन में जब पूछा जाता है कौन से कारक सबसे पहले जलायोजन क्रिया में भाग लेती है, तो होता है दोस्तों C3A। सर्वप्रथम जब सीमेंट में पानी मिलाते हैं दोस्तों, C3A उसमें भाग लेता है, यानी जमना उसका सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है C3A का। उसके बाद जो होता है दोस्तों C4AF जमते हैं दोस्तों, वो कठोर होने लगते हैं दोस्तों। C3A जो होता है जलायोजन क्रिया में सबसे ज़्यादा ऊष्मा जनरेट करती है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा जनरेट करने वाला कारक जो होता है दोस्तों, एलिमेंट कंपाउंड होता है दोस्तों C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। उसके बाद होता है दोस्तों ट्रेटा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट होता है दोस्तों। दोस्तों जो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग होता है इन्हीं दो तत्वों के कारण होता है दोस्तों, C3A और C4AF के कारण दोस्तों। जो होता है उसके बाद जो होता है दोस्तों, एल्यूमिनेट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट की पारी आती है। सबसे पहले एल्यूमिनेट भाग लेते हैं, उसके बाद सिलिकेट भाग लेते हैं दोस्तों, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट दोस्तों। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो होता है दोस्तों, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ये बहुत उत्तम बंधक पदार्थ होता है, बाइंडिंग मटेरियल होता है दोस्तों। और देखिए अगला पॉइंट जो है दोस्तों, एल्यूमिनेटो का कठोरीकरण प्रभाव पहले 24 आवर्स में अधिक स्पष्ट हो जाता है। यानी जो C3A और C4AF होते हैं उनका प्रभाव और कठोरीकरण तुरंत स्पष्ट हो जाते हैं और ये 28 दिनों तक चलते रहते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों C3S जो होता है ये अत्यधिक बाइंडिंग मटेरियल होता है दोस्तों। ये इसी के कारण जो होता है सीमेंट सभी कंपाउंड को, सभी यौगिक को बांध के रखता है दोस्तों। और इसके बाद एक मटेरियल होता है, एक कंपाउंड होता है C2S दोस्तों।
CTOs जो होता है दोस्तों, 28 दिन तक इसकी जो बल ग्रहण करने की क्षमता होती है, क्रिया होती है, वो कम होती है दोस्तों, लेकिन ये धीरे धीरे अंत तक चलता रहता है CTOs के कारण। यानी इस क्वेश्चन में पूछ लेता है कंक्रीट की जो चरम अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है दोस्तों, वो CTOs के कारण प्राप्त होती है दोस्तों, और ये धीरे धीरे समय बीतने के साथ बढ़ती जाती है दोस्तों, और फिर समय बीतने पर ये दोस्तों C3S के बराबर योगदान करने लगता है दोस्तों। तो C2S जो होता है दोस्तों, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कंक्रीट की स्ट्राइक डाई कैल्शियम सिलिकेट के कारण मिलता है दोस्तों। इसमें आज के टॉपिक में चार पांच क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एक होता है, सबसे ज़्यादा कौन सी कारक एलिमेंट ऊष्मा जनरेट करती है हाइड्रेशन क्रिया में, तो वो होता है दोस्तों C3A। C3A सबसे ज़्यादा ऊष्मा जनरेट करती है दोस्तों, और दोस्तों C3A और C4A एफ ट्रेटा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्राइड सबसे पहले हाइड्रेशन क्रिया में भाग लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद लेते हैं C3S C2S दोस्तों। C3S जो होता है पहले 7 से 8 दिन में जो होता है दोस्तों, ये पानी से ज़्यादा क्रिया करते हैं दोस्तों, हाइड्रेशन क्रिया में ज़्यादा भाग लेते हैं और ऊष्मा प्राप्त होती है। और यस C2S का जो होता है दोस्तों, सॉरी C2S का जो होता है दोस्तों, ये शुरुआत के दिनों में इसका जो बल ग्रहण करने की क्षमता होती है वो कम होती है दोस्तों, फिर धीरे धीरे C3S के बराबर इसकी बल ग्रहण करने की क्षमता हो जाती है दोस्तों, और सीमेंट कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ C2S के कारण प्राप्त होती है दोस्तों। और कंक्रीट की जो है दोस्तों, पहले 28 दिनों में जो सामर्थ्य होती है वो पूरे सामर्थ्य के 60% प्राप्त करती है। 28 दिन की जो सामर्थ्य होती है, पूरे सामर्थ्य अपने सामर्थ्य का जो एलिजिबल वो प्राप्त कर सकता है दोस्तों, वो 60% ही प्राप्त कर पाता है दोस्तों, और व्यवहारिक में इसी को ही कैलकुलेट करते हैं, 60% को ही कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। दोस्तों सीमेंट जब कंक्रीट हम बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए दोस्तों, इसके लिए हम उसको लगातार तराई करते हैं दोस्तों, 21 दिन तक तराई करते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो उसको एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।